जय जवान जय किसान संगठन महामेट्रो के भ्रष्ट प्रबंधन के खिलाफ कई बार धरना प्रदर्शन कर लगातार आवाज उठा रहा है। महामेट्रो के स्थापना के बाद से ही महामेट्रो के लगभग सभी कार्यों में भ्रष्टाचार की जानकारी दी गई और अब सीएनजी ने ऑडिट कर महामेट्रो प्रशासन के भ्रष्टाचार के मामले को गंभीरता से लेकर रिपोर्ट संसद में पेश कर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार द्वारा दी गई है। सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में महामेट्रो परियोजना कई मामले उजागर हुए हैं, जिसमें मूल परियोजना लागत 8,680 करोड़ रुपए थी और महामेट्रो 2018 तक इस परियोजना को पूरा करने के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि मार्च 2022 तक 38 स्टेशनों में से केवल 23 स्टेशनों को ही पूरा किया गया है। इस कारण परियोजनाओं की समय सीमा का पालन नहीं हो पाया, साथ ही प्रोजेक्ट की लागत भी काफी बढ़ गई है। ऑडिट रिपोर्ट में इस बात पर गंभीर प्रतिक्रिया दी गई है कि मेट्रो को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि यह प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी देते समय केवल 36 स्टेशनों की अनुमति दी गई थी, लेकिन महामेट्रो ने दो और स्टेशनों को जोड़ने का फैसला किया, जिनमें से एक एयरपोर्ट स्टेशन है और दूसरा कॉटन मार्केट स्टेशन है। ट्रेन वापसी संचालन के लिए एयरपोर्ट साउथ पॉइंट स्टेशन का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। इस स्टेशन के लिए करीब 47,26,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे स्टेशन की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही महामेट्रो ने एक अतिरिक्त स्टेशन के रूप में होटल प्राइड के सामने स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया। इस स्टेशन की यात्री संख्या को अनुमोदित रिपोर्ट में 5.4 प्रतिदिन के रूप में दिखाया गया था और वास्तविक यात्री संख्या केवल 47 प्रतिदिन है। ऑडिट में यह उल्लेख किया गया है कि इस स्टेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ के निवासी स्थान नहीं है। ऐसे कई मामले सीएजी की रिपोर्ट में शामिल है। 870 करोड़ का जो घोटाला या संवैधानिक लेखा परीक्षकांच्या अहवालामध्ये जो भ्रष्टाचार लपवला गेला त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही आज ही पत्रकार परिषद घेतली। प्रत्येक वेळेस आम्ही म्हणत होतो की ऑडिटर हे इथला घोटाळा लपवून राहिले, कॅगनी जो रिपोर्ट दिलेला आहे त्याच्यामध्ये संवैधानिक लेखा परीक्षकांच्या अहवालामध्ये भ्रष्टाचार लपवला गेला हे कम्प्लीट समोर मुद्दा समोर आलेला आहे। या लेखा परीक्षकांची जी कोणी कंपनी असेल त्या कंपनीला ताबडतोब ब्लॅकलिस्टेड करून त्या कंपनीवर गुन्हा दाखल करून त्या सगळ्या चार्टर्ड अकाउंटंटला जेलमध्ये पाठवावं अशी आमची मागणी आहे। कारण आज 900 करोड रुपये हे नागपूरच्या जनतेचा पैशाचा दुरुपयोग करणारे महामेट्रोनी तर केलाच केला, पण महामेट्रोला करण्यामध्ये भाग पाडण्यामध्ये हे चार्टर्ड अकाउंटंट कंपनी जी कोणती यांची स्टॅच्युटरी ऑडिट कंपनी आहे त्या कंपनीला ताबडतोब ब्लॅकलिस्टेड करून त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून या नागपूरच्या जनतेचे 800 करोड रुपये यांच्याकडनं वसूल करावे अशी आमची मागणी आहे। आता ते स्टेशन या अहवालातून काढावं लागेल। या अहवालामध्ये इतकं भरपूर दिलं आहे की आपण ते पत्रकार परिषदमध्ये सगळ्या गोष्टी नाही सांगू शकत, पण 45 करोड रुपयाचं स्टेशन आणि 25 करोड रुपयाची पार्किंग हे वर्ल्डमधला एक फार एक्झिक्युटिव्ह प्रोजेक्ट आमच्या नागपूर शहरामध्ये तयार झालेला आहे, ज्याच्याकरता जगाचं लक्ष लागलेलं होतं ते कम्प्लीट झालं असं कॅगच्या रिपोर्टमध्ये आहे। सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर महामेट्रो रेल के प्रबंधन निदेशक को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार बोले कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को कई बार उजागर किया गया और वही मुद्दों को सीएजी ने भी उजागर किया है। एनबीसीएन न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।